आज दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने जियो की सिम का जो नेटवर्क है वो कैसे ला सकते हैं। हाँ दोस्तों, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है इस जियो की सिम में, यही कि इसमें नेटवर्क जो है सेलेक्ट करने पड़ते हैं अपने आप ही, जल्दी अपने आप ही नेटवर्क इसमें हमेशा नहीं आते, कभी कभी नेटवर्क छोड़ देता है तो बहुत टाइम हो जाता है तो नेटवर्क नहीं आते हैं। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को एंड शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि इसकी नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ ऊपर देख सकते हैं मैं जियो लगा रखा हूँ सिम, पर इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों इसको हम सेट करते हैं कि इसकी नेटवर्क कैसे लाएँ। तो हमको सबसे पहले करना क्या है, अपने सेटिंग में जाना है। चलो दोस्तों हम सेटिंग में जाते हैं अपने। ये सेटिंग में जाने के बाद, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सिम कार्ड, सिम कार्ड में जाके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा ये कॉलर डेटा पे जाके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जियो, जियो 4G। सेलेक्ट करने के बाद आप बैक चले जाओ, बैक जाने के बाद मोर सेटिंग में जाना है। मोर सेटिंग के बाद क्लियर नेटवर्क में जाने के बाद उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे नेटवर्क टाइप सीज में जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेट यहाँ पे LT कर देना है। LT करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर नेटवर्क आ चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों नेटवर्क आ चुके हैं। तो अब इसका हम डाटा ऑन करते हैं। ये देखो दोस्तों डाटा भी ऑन हो गया है। डाटा ऑन होने के बाद आप बैक जाएं, देख चेक करा देता हूँ आप लोगों को कि डाटा भी ऑन हो गया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से नेटवर्क आ गए हैं। और हाँ, ये ट्रिक करने से आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो 100% दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और हाँ दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो।